एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होना चाहिए। खबर तो कोशिश हो कि वहदत नजर भी हो, लेकिन अगर वहदत नजर ना भी हो सके तो कम से कम 1400 से ज्यादा आयतें तकरीबन जो हैं ये कयामत से मुतालिक है। इतनी तादाद कुरान मजीद की बिला वजह नहीं है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम सुना था अभी यहाँ के ऊपर, ये जो है ये रुजू अल कुरान, अगर रुजू करें कुरान की तरफ तो हुजूर अकरम ने एक काम जो किया जो बुनियाद है फाउंडेशन है असर, इसके बगैर बेहतरी नहीं आएगी। जो काम करने का है बहुत सारे काम करने के हैं, लेकिन असासी तनीम काम जो है तौहीद की बुनियादों को मजबूत बनाया जाए, महाद और कयामत पर चीजे की बुनियादों को मजबूत बनाया जाए। अगर ये यकीन हासिल हो जाए कयामत पर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती। दूसरी चीज हुजूर अकरम ने अहमियत बहुत ज्यादा दी वो इल्म तालीम को। आप उस जमाने में उस जमाने के तरक्की याफ्ता ममालिक ईरान और रोम उस जमाने में दो बड़े ही तरक्की याफ्ता मुल्क माने जाते थे, सुपर पावर अपने दौर के थे। ईरान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क वहां इल्म का हासिल करना जायज नहीं था, पाबंदी थी, आपको नहीं था किसी को तफसील का मौका नहीं, मैं उसको तफसील से अर्ज करूं, मैं इशारा कर रहा हूं, पाबंदी थी, यहां तक पाबंदी थी कि मुल्क बचे या न बचे मगर हम किसी को पढ़ने की इजाजत दी थी। इस हद तक उस दौर में हजरत ने न सिर्फ ये कि लोगों को इल्म हासिल करने का हक दिया बल्कि उसे फर्ज करार दिया। हक और फर्ज में फर्क है ना, हक तो छोड़ा जा सकता है, हक छोड़ दें तो लायक तारीफ है, फर्ज अगर छोड़ दें तो लायक सजा है। फरीबत तलब العلم फरीबत अला कुल मुस्लिम मुस्लिम, इतना एहतमाम उसूल इल्म को दिया गया। दर्जात का इजाफा अगर है तो कुरान का दर्जा किसका बढ़ेगा, जिसका ईमान ज्यादा है, जिसका इल्म ज्यादा है ना। तीसरी चीज जो उसूल अकरम में बहुत अहमियत जिसे दी वो है इत्तेहाद और वहदत। कुरानी आयात भी शाहिद हैं और उसूल अकरम की हदीसें भी शाहिद हैं। क्या खूबसूरत तशरीह दी है इस्लामी समाज को उर्दू में, मसलुल मोमिनीना फी तवादुदिहिम व तराहुमिहिम व तआदुफिहिम कजसदि दिल वाहिद यतश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु सा'इरुल अअज़ा फिल हुम्मा व सहर। उम्मत मुस्लिमा तमाम ये जो है मसलकी इख्तलाफ के बावजूद, तमाम मसलकी इख्तलाफात के बावजूद, क्यों मसलकी इख्तलाफात ऐसे नहीं है जो एक मीटिंग में तकरीर से हल हो जाएंगे, हर मसलक का एहतराम कीजिए, हर मसलक का एहतराम करते हुए वो फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना के तवादुदे हैं तराहुमे हैं तहाकुफे हैं। मुसलमानों का आपसी रिश्ता कैसा है, उम्मत मुस्लिमा का आपसी रिश्ता फरमाते एक जिस्म के आजा के बाद कोई उज्र दूसरे का ये जो है मुशाबे नहीं है। आंख का साइज काम ताकत अलग, हाथ का काम साइज ताकत अलग, पैर अलग, जबान अलग, सारे आजा में फर्क है ना। इतने सारे फर्क के बावजूद ये एक है, वो एक शिया है, एक सुन्नी है, एक हनफी है, एक हम्बली है, एक मालिकी है, एक शाफई है, एक देवबंदी है, एक जमात इस्लामी का है, तबलीगी जमात का है, ये मालूम फला का है, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, ठीक है। इनको आपसी बहस मुबाइसा गुफ्तगू करना एक अलग सी बात है, इल्मी तौर के ऊपर एक दूसरे से गुफ्तगू करें मुबाइसा करें कि साहब जी ये बेहतर नहीं, ये बेहतर, हाथ खोल के पढ़ना बेहतर है कि हाथ बंद करके पढ़ना बेहतर है, कि चाहे हाथ खोल के पढ़े चाहे हाथ बांध के पढ़े, जब बहनत सनातन करें अलग अलग पढ़े हैं तो एक ना, आंख और हाथ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आंख पर कोई आफत आया और हाथ खामोश तमाशाई बना देता। एक शरीर बच्चे ने अगर हमारी आंख की तरह पत्थर फेंका है, ऐसे बात आंख में ताकत नहीं है पत्थर को रोकने की, है आंख रोक सकती है नहीं, कौन रोक सकता है, हाथ
कभी नहीं देखा हमने कि हाथ के हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, ये उफदाद आप पर पड़ी है आंख जाने, हम क्यों काम करें कि झमेले में पड़े और पड़ के जख्मी हो जाए। जब बड़ा पत्थर है तो हाथ जख्मी हो जाएगा ना, हो सकता है हाथ बचा भी ना पाए आपको, मुमकिन है ना, ज्यादा ताकत से अगर गोली आ रही है फर्जी जी तो हाथ कहां बचा पाएगा, हाथ जख्मी तो हो जाएगा, आंख बचेगी नहीं, मगर हाथ इसकी परवाह नहीं करता। जितना हमारे बस में है हम जैसे हैं हम इसको आगे बढ़ेंगे। एक उसको अगर तकलीफ पहुंच जाती है सायल आजाब उसकी मदद को दौड़ पड़ते हैं। हाथ कट गया इंफेक्शन हो गया, कहां इंफेक्शन हुआ हाथ में, फीवर कहां आता है, सिर्फ हाथ पे आता है फीवर, बुखार पूरे बदन में आता है। अगर हाथ में इंफेक्शन है, हाथ में दर्द हो रहा है, आंख सो जाएगी आप नहीं सोती। तो ये तामीर हुजूर ने हमारे सिलसिले में तो तीन चीजें बहुत अहम थी, एक मबदा उमाद पर ईमान, तौहीद और क़यामत, दूसरे इल्म, तीसरे शिया उलमा असेंबली, जिसने आप हज़रात की ये जो है ज़ियाफ़त का जो है वो शरफ हासिल किया, मशहूर है कि आप हज़रात तशरीफ लाए। शिया उलमा असेंबली इसी तसव्वुर के तहत वजूद में आई, इसी तसव्वुर के तहत शिया उलमा असेंबली वजूद में आई। कोशिश हमारी यही थी कि पहले मरहले में हम शिया उलमा को ये लोग मुत्तहिद करें, मुख्तलिफ अफकार और ख्यालात और ये जो है नजरियात के होते हुए भी सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, और उसी के साथ साथ उसके बाद ही वो बात नहीं मालूम कब आता है, वो बात तो पता ही नहीं कब कब आता है, उसी के साथ साथ उसी के हमरा मुसलमानों के दीगर मसालिक से भी राबिता किया जाए, क्योंकि अगर जब तक ये सब के सब मिलेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं। ठीक है हम कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, लिटरेचर बांट सकते हैं, मगर नतीजा उसी वक्त निकलेगा जब हम ये जो है यदे वाहिदा बनेंगे। पांच उंगलियां हमारे हाथों में है, पांचों बराबर तो नहीं है ना, हर उंगली का एक हुनर है, हर उंगली को अपने ऊपर फख्र है, इससे बहुत फख्र है, इसे बहुत फख्र है कि हर स्टैंप लगाया जाता है हमारे जरिए से, स्टैंप मुकाम आते हैं, इसे भी बहुत फख्र है। जब बच्चे से पूछते हैं अल्लाह तो कहते हैं एक कलमे उंगली कही जाती है ना, ये कम फख्र की बात तो नहीं है, हमें बहुत फख्र है, इसको फख्र है कि हम सबसे बड़े हैं, इसे फख्र है कि अंगूठी हमारे में बहुत सस्ती है, इसे है कि सबसे छोटे हैं, हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा होता है, बड़ा प्यारा होता है, सबको अजीज होता है, सबके अपने अपने मफाखिर हैं, कोई किसी से नीचा नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है। अगर ये सब सब अगड़े बैठे रहे हम दुश्मन के मुकाबले में आएंगे तो सारी उंगलियां टूट जाएंगी, लेकिन जब ये अपने मफाखिर को ये जो है नजरअंदाज करके एक दूसरे से गले मिल जाते हैं तो यही कमजोर उंगलियां ताकतवर मुक्के की शक्ल अख्तियार करती हैं। जो दुश्मन के मुकाबले में टूट रही थी अब वो दुश्मन का जबड़ा तोड़ने के लिए, जबड़ा तोड़ने की ताकत इनके अंदर पैदा हो गई। बस मैं अपनी राय इसको इसी पर खत्म कर रहा हूं, उलमाए किराम से इससे फायदा करेंगे कि हम लोगों को कम से कम इन तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है। तौहीद और क़यामत यानी अपने अकायद को मजबूत बनाए और इन और तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और आपसी इत्तेहाद चाहती। ठीक है नजरियात में अगर अख्तलाफ है और अख्तलाफ को दूर करना भी अच्छी बात है, मगर दूर करने का तरीका लड़ाई नहीं है, तंजो तशनी एक दूसरे पर नहीं है, तानो तशनी नहीं है। हाँ ये ठीक है बैठते हैं ठंडे माहौल में इल्मी गुफ्तगू दलाइल पेश करते हैं, मध्य मुकाबले ने मान लिया हमारे पति हमने मान लिया, दोनों चीजें मुमकिन है ना, जब गुफ्तगू होती तो दोनों बातें मुमकिन होती है, नहीं हो पाए ठीक कोई बात नहीं, आप अपने
अफ्तार में खुश रही हूं अपने, मगर उसके बावजूद हमारे दरमियान इख्तलाफ नजर में कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तनाजरे में, निजा नहीं होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होना चाहिए। कमर तो कोशिश हो कि वहदत नजर भी हो, लेकिन अगर वहदत नजर ना भी हो सके तो कम अज कम निजा नहीं होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Thank you.